आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बॉयज स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि दो तीन कलर लगा के मैंने डिज़ाइन बनाया है। इसके हम हाईनेक गला बनाएंगे और रेगलैंड कटिंग करेंगे। मैंने नीचे से 40 फंदे डाल के एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। उसके आगे मैंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है। ये आपको मैं डिज़ाइन डालना सिखाती हूँ। ऐसे बॉर्डर बनाकर, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाकर और एक सीधी उल्टी सिलाई डाल लेनी। इसके बाद हमने पूरी सिलाई वाइट कलर की पूरी सिलाई हम पूरी सीधी और उल्टी एक सिलाई वाइट धागे की कर लेंगे। पूरी सिलाई अब सीधी जी, देखो मैंने एक सीधी एक उल्टी सिलाई वाइट धागे की चढ़ा ली। अब हमने थर्ड धागा यूज़ करना है। पहले हमने ये देखो एक फंदा उतार लिया। अब ये तीन फंदों का डिज़ाइन है, यहाँ से नहीं बुनना। जो सेंटर वाला तीसरा फंदा है ना, एक दो तीसरे के फंदे के सेंटर में ये है, जहाँ से हमने ये वाला धागा लगाना है। एक फंदा ऐसे लगा लिया। अब हमने तीन फंदे वाइट धागे से बुन लेने। ये वाला फंदा ऐसे करके इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। देखो अब ये एक धागा फ्रोजी कलर का। फिर हमने ये यहाँ से ऐसे फंदा उतारा निकाला, तीन फंदे वाइट बुन ले। इसे इसके ऊपर से ऐसे एक फ्रोजी। ये जो तीन फंदे है ना, इसके जब सेंटर वाला फंदा है ना, इसके यहां से देखो यहां से उतारना, यहां से लेना। तीन फंदों का डिज़ाइन है ये, सिर्फ तीन फंदों का। चौथा फंदा हमने दूसरा कलर डालना, फिर तीन फंदे, फिर एक फंदा फ्रोजी और तीन फिर वाइट, फिर हमने ये वाला तीन वाइट, फिर ये फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देना और एक फंदा फ्रोजी।
फिर एक फंदा यहाँ से, तीन वाइट, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे आप सिलाई पूरी कंप्लीट कर लें। पूरी कंप्लीट हो गई, एंड में आपके के तीन फंदे नहीं आए, दो आ गए तो दो ही बुन लेना। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में पहले फंदा उतार लिया, फिर एक और दो, और वाइट सेंटर वाला बुनना, एक वाइट। एक दो और तीन, जो तीन फंदे है ना ऐसे आ जाएगा, तीन तीन फंदे हमारे फ्रोजी आ जाएंगे, सेंटर वाला भी फंदा वाइट ही आएगा, एक वाइट, फिर तीन फंदे, बस दो सिलाइयों की उनती है, एक दो और तीन, सेंटर वाला वाइट। एक दो और तीन, फिर वाइट एक, फिर एक दो और तीन, फिर वाइट, ये धागा आप अपना साथ साथ ही ले आना हमने, क्योंकि ये धागा अगले डिज़ाइन में फिर डालेंगे ना, इस एक एक ही स्लाइस की डलती है सिर्फ, एक दो और तीन, फिर वाइट, एक दो और तीन, फिर एक वाइट। जो हमने एक फ्रोजी फंदा डाला ना, उसके इधर वाला भी एक फ्रोजी डाल लेना, एक इधर वाले से, ये देखो ये तीन फ्रोजी हो गए ना। अब जो सेंटर वाला ये वाइट एक हो गया, अब ये तीन फंदे फिर वाइट फ्रोजी आ जाएंगे, एक इधर से ले लेना, एक इधर से ले लेना, एक दो और तीन, एक वाइट, फिर एक दो और तीन, फिर एक वाइट, एक दो और तीन, फिर एक वाइट, एक और दो। पर दो सिलाइयों की ही उनती है ये। अब हमने सिंपल फ्रोजी धागे से जितना आपने डालना, मैंने इसको इतना सा डाला, देखो इतना इतना डाल के मैंने ये, मैंने उल्टी तरफ से दिखाती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात सिलाइयाँ मैंने डाल के मैंने ये डिज़ाइन डाला मैंने। अब हम इसे भी ऐसे डाल के फिर आगे फिर डाल लेंगे,
दो सिलाइयां की 29 है सिर्फ। अब सिंपल फ्रोजी धागा ही लगाएंगे ऐसे। पूरी सीधी सिलाई डाल के उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, जब पूरी सीधी जाएगी फिर उल्टी, अब हम इसकी ऐसी कटाई डालेंगे, रिगॉन कटाई डालेंगे, देखो ऐसे आएगी। ये पीछे वाला हिस्सा है जो मैंने प्लेन बुना और इसके ऐसे मैंने कटिंग डाली है, ये देखो बाजू की भी ऐसी आएगी और दोनों साइडों के भी ऐसी आएगी। ये आपको मैं बनाना सिखाती हूँ कैसे। पहले फंदा उतारा और मैंने इसमें चार फंदे इसमें डाल लिए, ये पीछे करके देखो एक फंदा आगे से मैंने ऐसे, ये जो चार फंदे हैं ना इसके हमने कटिंग डालनी है, ये दो का एक फिर दो का एक, जो फंदा पीछे है उसको आगे पहले बुन लेना। ये देखो पूरी सिलाई सीधी, ये दोनों तरफ से हमने एक जैसी कटिंग करनी है, पीछे हिस्से की बाजू की भी सब पासे एक जैसी ही करनी है। दो दो फंदे हम दोनों तरफ से कटाएंगे और एक सीधी और एक उल्टी सिलाई हमने सिंपल डालनी इसमें। ये 7-8 साल के बच्चे के लिए हैं। स्वेटर की लंबाई अपने बच्चे के हिसाब से आप रख सकते हो। उधर हमने चार फंदे पहले किए थे ना, पीछे करके आगे एक फंदा बुना था, अब हमने एक फंदा उतारना है, एक फंदा ऐसे उतार लिया, ऐसे उतार लिया, फिर दो का एक कर लिया, फिर दो का एक, और ये वाला फंदा उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, इसमें कुछ नहीं करना, पूरी उल्टी डाल लो। पूरी उल्टी ये देखो उल्टी सिलाई पूरी डाल ली मैंने, अब एक सिंपल सिलाई हमने सीधी उल्टी डालनी है।
एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद हमने फिर वही दो दो फंदे की कटिंग करेंगे, एक सिंपल सीधी से डालो, एक उल्टी, एक सिलाई में हमने कटिंग करनी, एक सिलाई हमने सिंपल डालनी सीधी उल्टी। एक सीधी उल्टी डाल लो, फिर आगे आपको एक बार फिर बताती हूँ। देखो सीधी उल्टी मैंने सिलाई बना ली है। अब फिर क्या करना, एक फंदा उतारा, ये हमने चार फंदे इस सिलाई में ले लेने, एक दो तीन और चार, चारों हम पीछे कर देने ऐसे, और एक फंदा हमने ऐसे बुन लेना। और जो चार फंदे ये है ना, ये दो का एक, फिर दो का एक, पूरी सिलाई फिर सीधी सीधी डाल के दूसरी तरफ से भी। एक सिलाई में हमने कटिंग करनी है, एक सीधी और एक उल्टी हमने सिंपल बुननी है, बस इसका ही ध्यान रखना आपने। ये वाला फंदा हमने ऐसे उतार लेना, चाहे सिलाई में डाल लो, फिर दो का एक, फिर दो का एक, और ये फंदा हमने ऐसे आ जाएगा। एक सीधी उल्टी सिंपल डालनी है, एक सीधी सिलाई में ये करना है हमें डिज़ाइन, उल्टी सिलाई सिंपल उल्टी, ऐसा आप कर लो, फिर आगे आपको गला बनाना मैं सिखाऊंगी। ये देखो मैंने पूरा बना लिया, उसकी पूरी कटिंग मैंने आगे पीछे बाजू सबकी कटिंग एक जैसी डाली है। ये मैंने नीचे से मैंने 80 फंदे डाल के ऊपर 82 फंदे किए, मैंने नीचे 80 ऊपर 82 किए, और बाजू के मैंने नीचे से 44 है ऊपर से मैंने 70 किए। ये 7 साल के बच्चे के लिए हैं। और ये देखो ये मैंने एक जैसी कटिंग डाल ली है, और आगे वाले हिस्से के मैंने 34 फंदे रखे हैं और पीछे भी 34 फंदे रखे हैं, बाजू के मैंने 20-20 फंदे रखे हैं। ये देखो ये मैंने एक साथ डाल दिया, ये देखो पहले बाजू फिर पीछे वाला हिस्सा फिर बाजू फिर आगे वाला हिस्सा, ऐसे डाल के मैंने दो सिलाइयाँ चढ़ा के रखी हुई है। ये देखो बड़े बच्चे के, इससे 7 साल के बच्चे, छोटे बच्चे का बनाना हो तो नीचे वाले फंदे आप 30 डाल लो 2 साल के बच्चे के लिए, जे उससे बड़ा है तो 35 डाल लो, 70 फंदे, 35 जोड़ 70 फंदे, छोटे बच्चे के लिए 60 फंदे और 30 जोड़, इतने डाल के आप ये डिज़ाइन डाल लो। डिज़ाइन ये वाला मैंने बनाया, देखो चलो आपको गला बनाना सिखा दें फिर। ये 4 सिलाइयों से हम बनाएंगे,
एक सीधा एक उल्टा फंदा मैंने डाला है, जो नीचे बॉर्डर डाला ना वही वाला ऊपर बॉर्डर है। देखो एक उल्टा एक और सीधा, चार हिस्से आपने सिलाइयों में डालने हैं, चार सिलाइयों में, और एक साइड तो शुरू कर लेना, एक सीधा एक उल्टा। आप छोटा बनाना चाहो छोटा बना सकते हो, ज़्यादा बड़ा बनाना हो हाई नेक ज़्यादा कॉलर जैसे बनाना हो, बाकी पूरा गले तक बनाना हो तो गले तक भी बना सकते हो, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है। कि बहुत सरल है, चारों चारों हिस्सों को आपने चार सिलाइयों में डाल लेना और एक साइड तो शुरू करके आप पूरा गुलाई में बुनते जाना, जहाँ कोई सिलाई नहीं होगी गले में। आपको मैं बनाकर मैं पूरा दिखाती हूँ, फिर आपको सिलाई करना भी बताऊंगी और गला पूरा बनाकर आपको मैं फिर दिखाती हूँ।